हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स हर टाइप का होगा, मींस एनसीईआरटी लेवल का होगा, नीट जेई मेन लेवल का होगा, फिर जेई एडवांस लेवल का होगा, तीनों लेवल का होगा। हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉपर तभी कर सकते हैं जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन बहुत दूर तक फैला हुआ है। इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर भी क्वेश्चंस रहता है। तभी मैं इनर्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड आपको नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए उस लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। पहले उसी लेवल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिस लेवल तक हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करेंट 1.5 एम्पियर्स। वट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। देखो जी, इस तरह क्वेश्चन बनाने का कई सारे मेथड्स है, लेकिन एक मेथड जो हम लोग जानते हो यह है, वी नो दैट m इज इक्वल टू ई बाई 965 आई इंटू टी, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m जहां पे मास ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस है, e इक्विवेलेंट वेट है, i करंट है, t टाइम है। तो यहां पे टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट हम लोग कॉपर का निकाल लेंगे तो मास निकल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे निकलेगा, तो मैं आपको सिखाया हूँ। कॉपर यहाँ पे कॉपर 2+4 में रहता है, तो किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कॉपर पर चार्ज कितना है जी, 2। मीन्स एन फैक्टर कॉपर 2 है, मैं लिख भी दिया हूँ। कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ के फॉर्म में रहता है, सो इसका एन फैक्टर 2 हुआ। तो m इज इक्वल टू होगा एटोमिक वेट बाई 2, एटोमिक वेट कॉपर का 63.5 ग्राम बाई 2 टू 96500 इंटू करेंट 1.5 टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से जो मास आएगा वो इस जो अमाउंट आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पे सारे जितने भी डेटा है इक्विवेलेंट वेट ग्राम में है, सो मास ग्राम में आएगा। आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका वैल्यू आएगा m इज इक्वल 0.29 ग्राम। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा कुछ और हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.12। आपको इलेक्ट्रिसिटी बताना है इसमें। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में कन्वर्ट होना है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 1 मोल कैल्शियम 2+ को कैल्शियम में कन्वर्ट होना है, सॉरी 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट करना होना है, 1 मोल MnO4- को Mn में कन्वर्ट होना है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। तो चलो देखता हूँ। ये तो आपको मैं बताया हूँ, एल्युमिनियम 4+3 चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ इसके 1 मोल को इलेक्ट्रॉन का 3 मोल रिक्वायरमेंट होगा। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें कितना होगा जी, 3 फैराडे होगा। कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ कॉपर के 1 मोल को इलेक्ट्रॉन का 2 मोल चाहिए, मीन्स 2 फैराडे। यहाँ पता करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, +7 यूनो, और यहाँ पे मैंने कितना है 0, तो तुम्हारा +7 से 0 में जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कितना फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा आपका, +7 से 0 नहीं, यहाँ पे +2 Mn2+ होगा। +7 से +2 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 है। इसका मीनिंग हुआ कि इसका 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मीन्स यहाँ पे 5 फैराडे रिक्वायर्ड है। दूसरा क्वेश्चन 3.13, हाउ मच फैराडे इज रिक्वायर्ड, 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, मीन्स कैल्शियम क्लोराइड से। यहाँ पे क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस किया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो पहले पता जो प्रोड्यूस हो रहा है वह देखना है, उसको देखना है। पहले पता करें कितना मोल कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है, देखने से पता चल रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 20/40 कितना होगा जी, हाफ मोल कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम किस फॉर्म में है जी, कैल्शियम 2+ के फॉर्म में है, पता है आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि हाफ मोल, मींस क्वेश्चन ये हो गया कि हाफ मोल कैल्शियम
हाफ मोल वन बाई टू मोल कैल्शियम टू प्लस को कैल्शियम में कन्वर्ट करने के लिए कितने एनर्जी का, कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, तो क्लियर है इसका वन मोल को टू फैराडे चाहिए, तो हाफ मोल को कितना चाहिए, वन फैराडे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम प्रो मोल्टेन Al2O3, यहां भी इसी करेंगे, पहले एल्युमिनियम मोल पता करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल, तो 40/27 मोल हो गया एल्युमिनियम का, Al2O3 में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 रहता है, Al2O3 में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 रहता है, मींस एल्युमिनियम के वन मोल को इलेक्ट्रिसिटी का फैराडे, 3 फैराडे चाहिए, तो इतना मोल को कितना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड फोर्टी बाई 27 इंटू 3 इतना फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा। डायरेक्ट मोल पूछ रहा है, इतना हो जाएगा। अगला है वन मोल वाटर 2O2, आपको H2O को वन मोल से H2O से O2 बनाना है, तो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 है, O2 में क्या है, 0 है, तो वाटर के वन मोल में O2 का कितना मोल बनेगा, तो हाफ मोल बनेगा, क्यों, क्योंकि वाटर के वन वाटर में वन ऑक्सीजन है, O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देख लो इसके वन मोल से हाफ मोल O2 बनेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कितना एक्सचेंज होगा, मिस फैराडे, तो इसके वन मतलब वन ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, वन ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, तो वन ऑक्सीजन -2 से तुम्हारा अगर 0 में जाएगा तो 2 फैराडे होगा। तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का कितना फॉर्म होगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स बोल रहा है कि केवल ऑक्सीडेशन पर देखना है, यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि वन मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है, तो O2 का मतलब है 0, यहाँ पे वन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, मीन्स -2 से 0 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वन मोल कितना प्रोड्यूस करेगा जी, 2 फैराडे करेगा, तो यहाँ पे 2F। इसमें देख लो FeO में ऑक्सीडेशन और आयरन का +2 है, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन +3 है, इसका वन मोल +2 से +3 में जाएगा, तो कितना फैराडे, 1 फैराडे एक्सचेंज होगा, इसका आंसर 1 फैराडे होगा। इस तरीका से आप इस सब क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 3.16। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ABC, ए का इलेक्ट्रोड है आपका जिंक का और एक्वस सोल्यूशन जेडेस फोर में डिप्ड है, आपका सिल्वी में इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ag3 एंड इलेक्ट्रोड्स है सिल्वर रॉड, सी में इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट है, रॉड है आपका है कॉपर का, मीन्स इस तरह से 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एंड ऑल 3 आर इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट होने का मीनिंग हुआ तीनों का करंट क्या होगा जी, सेम होगा, करंट पास कर रहा है 1.5 एम्पियर और 1.45 ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड, सेल्बी में 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया, तो आपको बताना है हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, मींस 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना देर तक करंट फ्लो हुआ होगा, टाइम पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा, तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना देर तक, तो फॉर्मूला आपको पता है मास पे, उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और एक दूसरा तरीका ये भी है, एक तो नॉर्मल तरीका है फर्स्ट मेथड, m इज इक्वल टू E/965 I/T, एम कॉपर सिल्वर का 1.45 मास हो गया, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का सेम होगा एटॉमिक मास के इक्वल, क्योंकि वैलेंसी 1 होता है सिल्वर का है, और खैर Ag3 में सिल्वर आपके Ag+ के फॉर्म में है, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा एटॉमिक 1 इंटू 96500
इंटू करंट, करंट का वैल्यू दिया 1.5 टाइम टी, सॉल्व करोगे टी निकल जाएगा। तो एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका यह है, सेकेंड मेथड, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करो कि सिल्वर का कितना प्रोड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस सिल्वर। कितना हो जाएगा गिवन मास भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास भाई इक्विवेलेंट मास, तो इसका 1.4 बाई मास है, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का कितना होता है 108। ये मिल गया इक्विवेलेंट, मतलब मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस सिल्वर। जितना इक्विवेलेंट सिल्वर का प्रोड्यूस होगा उतना ही फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि वन इक्विवेलेंट वन फैराडे प्रोड्यूस करता है, तो इतना इक्विवेलेंट कितना फैराडे करेगा, इतना फैराडे। तो चार्ज लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड चार्ज इक्वल टू यही हो जाएगा वन, इतना फैराडे 1.45 108 फैराडे इतना हो गया। अब फैराडे को कूलम में कन्वर्ट कर दो तो चार्ज निकल जाएगा। नहीं तो इतना आपका, इतना फैराडे आपको पता चला। अब फैराडे में चार्ज पता चल गया तो उस चार्ज को से आप निकाल सकते हो टाइम, क्योंकि आपको पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो 1.45 बाई 108 फैराडे 96500 कूलम, इसको इक्वल कर दो करंट इन टाइम, करंट का वैल्यू पता है 1.5 टाइम निकल जाएगा सॉल्व करके। अब ये तो आपने कर लिया दो, जो भी आपको इजियर लगे कर सकते हो, लेकिन साथ बोल रहा है कि कॉपर और जिंक का भी मास निकालो। तो एक बात क्लियर है बाबू, सीरीज में जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड रहेंगे सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहेगा, तो फैराडे के अकॉर्डिंग सीरीज में कनेक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्लियर हो गया। और ये भी है कि वन फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में हर चीज के सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के वन इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है। यहाँ पे 1.45 बाई 108 तुम्हारा क्या प्रोड्यूसर है, इक्विवेलेंट। तो जितना इक्विवेलेंट सिल्वर प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर का भी प्रोड्यूस होगा, उतना ही इक्विवेलेंट जिंक का भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, सही सिल्वर कैसे निकालने हैं, जिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, सबका इक्वल होगा। सिल्वर का नंबर इक्विवेलेंट कितना 1.45 बाई 108 है, इतना ही इक्विवेलेंट तुम्हारा होगा किसका, कॉपर का भी। अब किसी का इक्विवेलेंट अगर पता चल गया है तो उसका मास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, मास ऑफ डिपोजिटेड कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास से। कॉपर का इक्विवेलेंट मास 63.5 होता है। इसी तरह से आप जिंक का भी निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 वाट 110 बल्ब इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट वेट ऑफ कैडमियम विल बी डिपॉजिटेड बाय द करंट फ्लोइंग फॉर 10 आवर्स। मीन्स बोल रहा है कि एक 100 वाट एंड 110 वोल्ट का बल्ब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के सीरीज में, सीरीज में का मतलब हुआ कि जितना करंट बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही करंट आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, और फिर आपसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कैडमियम सल्फेट का है, तो बोल रहा है कैडमियम कितना डिपॉजिट होगा अगर यह बल्ब को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ सीरीज में 10 आवर्स तक रखा जाए, तो 10 आवर्स के ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उस इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना अमाउंट कैडमियम का डिपॉजिट हुआ कैथोड पे निकालना है। तो कैडमियम का अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ कैडमियम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हुआ आपको एम निकालना है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको करंट पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए।
तो टाइम तो दिया हुआ है, करंट निकाल लेते हैं। ये आपका बल्ब है, इसका वाट कितना है जी, 100 है। वोल्ट कितना है जी आपका, 110 है। मीन्स वाट मीन्स पावर, पावर 100 वाट है और वोल्ट 110 है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई फॉर्मूला होता है। तो I इज इक्वल टू P बाई V मीन्स 100 बाई 110 मीन्स 10 बाई 11 एम्पियर आपका करंट है। करंट पता चल गया, टाइम पता चल गया, मास निकाल लो। वी नो दैट M इज इक्वल टू E बाई 96500 I इंटू टी। E के जगह पे कैडमियम का एटॉमिक वेट 112 होता है। इसके ऊपर वैलेंसी कितना है, मीन्स कैडमियम के ऊपर चार्ज प्लस 2 होगा क्योंकि सल्फेट पे 2 निगेटिव रहता है। तो 2 यहाँ कर दिया N फैक्टर। E एटॉमिक वेट 2 से डिवाइड करने पे इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा कैडमियम का। अब यह है कैडमियम का 96500, इसका जो फॉर्मूला में है करंट है 10/11, टाइम है 10 आवर्स, आवर्स को मिनट में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सॉल्व करोगे आपका मास आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगा वो 18.9 ग्राम होगा, राइट। तो इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रिलेटिवली बेटर क्वेश्चन, क्रोमियम मेटल कैन बी प्लेटेड आउट फ्रॉम एन एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। क्रोमियम ऑक्साइड है, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इस रिएक्शन की बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी प्लेटेड आउट बाई 24,000 कूलम्स, राइट। मीन्स चार्ज इज गिवेन, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स इज मास, मास पता करना है। तो फॉर्मूला वी नो दैट, वी नो दैट एम इज इक्वल टू ई बाई 96500 इंटू क्यू, हो गया। क्रोमियम का यहां पे देख लो ऑक्सीडेशन मोड कितना चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर होगा। यहां पे +6 है, यहां पे 0 है, इसका मीनिंग ऑक्सीडेशन मोड कितना चेंज हो रहा है जी, 6 से। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, एटॉमिक वेट बाई 6। तो एटॉमिक वेट क्रोमियम का है यहाँ पे कि 52 होता है, 52 बाई 6 इंटू 96500, चार्ज रख दो 24,000 कूलम। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जी, मास पता चल जाएगा कितना हुआ। सॉल्व करने के बाद एम आया 2.15 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू प्लॉट आउट टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम क्रोमियम बाय यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। मीन्स करंट दिया हुआ है आपको, मास भी दिया हुआ है कितना ग्राम, मतलब आपके क्रोमियम को प्लेट आउट करना है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो फिर वही कहानी, यू नो दैट मास एम इज इक्वल टू ई बाई 96500 I इंटू टी। एम है 1.5 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52 बाई 6 96500, करंट है 12.5 एम्पियर, टाइम निकालना है। सॉल्व करोगे टाइम का वैल्यू आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1336.13 सेकेंड्स, इतना समय का वैल्यू आ रहा है। रिलेशन अमोंग रिलेशन अमोंग थिकनेस ऑफ कोट डेंसिटी ऑफ कोटेड मटेरियल
कोटेड मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सेल पासिंग द सेल देखो जी हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं, मैं बताया भी हूँ आपको कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होता है मेटल का, एनोड से लिबरेशन होता है, तो जो कैथोड में मेटल का डिपोजिशन होता है उसको हम लोग कोटिंग बोलते हैं। मेटल का एक लेयर का कोट चढ़ जाता है, तो कोट जिस लेयर मेटल का चढ़ता है वो पहले हम लोग उसका डेंसिटी और जो कोट है वो कोट का थिकनेस एंड इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सेल, इन तीनों में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक सेल है, मान लो प्लेट यह है, दूसरा प्लेट यह है, दोनों हुआ इलेक्ट्रोड प्लेट्स, अब यहां पे ये कैथोड है, इसके ऊपर मान लो इस तरह से कोटिंग हो गया है, एनोड से मेटल लिबरेट होकर के कैथोड पे आकर कोटिंग हो गया है, कोटिंग है। अब इस कोटिंग का जो थिकनेस है, यह थिकनेस है आपका, थिकनेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स एक्स, थिकनेस ऑफ कोटिंग, राइट। अब यहां पे कुछ जो सिंबल है उसका देखो, ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरिया ऑफ प्लेट, ए एरिया ऑफ प्लेट एक से थिकनेस ऑफ कोटिंग, ये हो गया। अब ये जो कोटिंग हुआ है, कोटिंग का वॉल्यूम निकालना है मुझे, क्योंकि देखो मुझे रिलेशन तो हम लोग को पहले से पता है, हमें पहले से ये रिलेशन तो पता है, वी नो दैट एम इज इक्वल टू ई बाई 96500 करेंट इनटू टाइम, राइट, ये पता है हमें। अब हमें इसी रिलेशन में थिकनेस और एरिया और इसके टर्म्स में करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, इधर तो ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, मास को ही मैं चेंज करूंगा, मीन्स अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस, अगर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस, तो डेंसिटी पता चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी वॉल्यूम ऑफ कोटिंग, जो कोटिंग है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोटिंग, इसको बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे निकलेगा जी, तो प्लेट का एरिया ये है और पूरे प्लेट पे आप एक थिकनेस का एक लेयर कोट कर दिए हो, तो जिस मटेरियल से कोटिंग किए हो उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया इंटू थिकनेस ए इंटू एक्स, अब वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी पता चल गया, तो मास निकल जाएगा, D इज इक्वल टू एम बाई वी, एम इज इक्वल टू डी वी, हालांकि आप एरिया को, डेंसिटी को
रो से आर ही प्रजनन करेंगे, डी से नहीं। रो भी हो गया, अब वॉल्यूम की जगह पे आप रख दो तो एक्स रो ए एक्स हो गया मास। अब इसको इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, फ्रॉम अबव इक्वेशन एम की जगह पे लिखो रो ए एक्स इज इक्वल टू ई बाई 96500 इंटू करेंट इंटू टाइम। अब रिलेशन हो गया, रिलेशन अमाउंग थिकनेस एंड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करेंट, करेंट थिकनेस एंड डेंसिटी के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इस रिलेशन से हम लोग कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोटिंग का थिकनेस पूछेगा तो ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन ऑन दिस थ्योरी सेक्शन जो अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ, देखो क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ए करेंट ऑफ 3 एम्पीयर हैज टू बी पास्ड थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू कोट ए मेटल सरफेस ऑफ 80 cm² विथ ए 0.005 mm थीक लेयर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.15 g/cm³, राइट। चलिए तो आपको निकालना है यहाँ पे, हाउ टाइम निकालना है, तो वी नो दैट रो ए एक्स इज इक्वल टू ई बाई 96500 करेंट इंटू टाइम। डेंसिटी रो दिया हुआ है कितना है जी, 10.15 g/cm³, तो सबको सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। एरिया है 80 cm², ओके है जी। थिकनेस है 0.05 mm, mm को cm में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे जी, mm को cm में कन्वर्ट करना है, mm तुम्हारा छोटा यूनिट है, cm बड़ा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तब आएगा mm cm, क्योंकि आपको पता है 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। तो इस तरीका से 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.0005, राइट। इधर इक्विवेलेंट वेट सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर प्लस के फॉर्म में रहता है, सिल्वर का एटॉमिक मास बाय 1 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, फिर इसका 96500 से डिवाइड करेंगे करंट 3 एम्पियर है और टाइम निकालना है। सॉल्व करके अगर टाइम निकालोगे तो आएगा 125.09 सेकेंड, मीन्स 125 सेकेंड्स के आसपास आएगा। मैं आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा दिया, इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, लेकिन अभी मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन गैस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्वेश्चन बोल रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाई पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करेंट दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 g ऑफ डाइबोरेन। मीन्स बोल रहा है कि वाटर को कितना समय तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाए 100 एम्पियर करंट से कि उससे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो वो ऑक्सीजन 27.66 g डाइबोरेन को कंप्लीटली क्या कर दे जी, बर्नआउट कर दे, मीन्स उसका कम्बशन कर दे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने का जो हमें डेटा चाहिए वो ये चाहिए कि ऑक्सीजन का मास, क्योंकि ऑक्सीजन का मास अगर पता चल जाएगा तो हम लोग करंट पता है, मास पता रहेगा, इक्विवेलेंट वेट पता रहेगा, तो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास पता करने के लिए हमें पता करना है कि 27.66 g डाइबोरेन को ऑक्सीजन मींस बर्न कराने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो जी, दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, B2A6 को डाइबोरेन बोलते हैं, यह डाइबोरेन है, डाइबोरेन B2A6 को O2 से रिएक्शन कराया जाएगा, ऑल बोरॉन
बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बोरॉन का एटॉमिक मास 10.8 ग्राम होता है, निकालोगे तो हो जाएगा 27.66। और 3O2 मीन्स 1 मोल बोरॉन को 3 डाइबोरेन को 3 मोल O2 चाहिए, तो 3 मोल O2 का कितना हो जाएगा 96 ग्राम हो गया। यहाँ बैलेंसिंग देख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन 3 6 ऑक्सीजन ठीक है। तो अब मीन्स इतना ग्राम डाइबोरेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 96 ग्राम O2 का रिक्वायरमेंट है, तो पता चल गया O2 का मास। अब मास पता चल गया तो ये फार्मूला फैराडे अप्लाई कर देंगे, m = e/9650 × t, मास 96 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 मैंने 8 कैसे राइट किया, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप समझो। देखो जी, मैं बताया हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट और लिबरेट करने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है 1 फैराडे होता है। मींस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी किसी सब्सटेंस के जिस अमाउंट को डिपॉजिट और लिबरेट करेगा वह सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो चलिए O2 का देखते हैं कैसे। देखो, ऑक्सीजन का तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ऐसे आप पहले यहाँ पे समझ लो इस चीज को, इसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ऑक्सीजन गैस O2 का भी इक्विवेलेंट वेट 8 ही होता है, इक्विवेलेंट वेट 8 लिख दिया, 96500 करंट लिख दिया, 100 टाइम टी है, सॉल्व करेंगे टाइम निकल गया, एक क्वेश्चन तो बन गया। लेकिन अब मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 मैंने 8 कैसे लिया। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 किस तरह से निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन H, आप सब जानते हो किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, वैलेंसी 1 है, तो 1 ग्राम हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 16/2 8 ग्राम हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस वो भी 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम बाई 2 1 ग्राम हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 भी होगा आपका 32 ग्राम बाई 2, मीन्स ये भी हुआ 32 बाई 4 8 ग्राम। अब ये कैसे H2 का 1 ग्राम O2 का इक्विवेलेंट 8 ग्राम हो, ये समझना जरूरी है। तो फैराडे के अकॉर्डिंग 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करता है। मीन्स 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगी सब्सटेंस का वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो चलिए इस पर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखते हैं। पहले हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है, H+ 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो H2 बनेगा। अब 2 मोल H+ में 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ऐड करोगे तब जाकर के क्या बनेगा जी, 1 मोल H2 बनेगा। मीन्स 1 मोल H2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना फैराडे चाहिए, 2 फैराडे। मीन्स 1 मोल H2 नीड्स 2 फैराडे। 1 मोल H2 का मास कितना हुआ, 2 ग्राम। मीन्स 2 फैराडे 2 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 फैराडे 1 ग्राम को प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। 2 फैराडे प्रोड्यूसेस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस,
तो वन फैराडे विल प्रोड्यूस 2/2 ग्राम, मीन्स 1 ग्राम H2 गैस, 1 ग्राम H2 गैस. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम. सिमिलर रीजन से ऑक्सीजन का भी. अब ऑक्सीजन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है जी, O2 ऑक्साइड से प्रोड्यूस होता है. ऑक्सीजन इससे वाटर, वाटर के क्लासेस करोगे तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस होगा. वाटर में हाइड्रोजन गैस H, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 माइनस ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है. तो अब देख लो आप, 1 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव मीन्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट 0 है, मीन्स -2 से 0 जा रहा है. मीन्स 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के, मीन्स 1 O2 प्रोड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए, अगर आपको 1 मोल O2 प्रोड्यूस करना है, 1 मोल, तो इसके लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, बाहर निकलेगा. इसका मीनिंग हुआ कि 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के में 4 फैराडे यूज हो रहा है. तो 1 फैराडे कितना करेगा, तो 1 मोल का मास कितना होता है जी O2 का, 1 मोल का मास होता है 32 ग्राम. मीन्स 4 फैराडे प्रोड्यूस 32 ग्राम O2. तो 1 फैराडे कितना प्रोड्यूस करेगा, 32/4 ग्राम O2 मीन्स 8 ग्राम O2 गैस. यही वजह है कि आप देख रहे हो कि O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8 ग्राम. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, कि उसको लगता है कि ऑक्सीजन एटम का भी 8 ग्राम, ऑक्सीजन मोलिकुल का भी 8 ग्राम कैसे हुआ, हाइड्रोजन एटम का भी 1 ग्राम, हाइड्रोजन मोलिकुल का भी 1 ग्राम कैसे हुआ. तो इसको समझो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, 112 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस एट NTP वॉज कलेक्टेड एट द कैथोड इन 965 सेकेंड, द करेंट इन एम्पियर इज, मीन्स करेंट आपसे पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे जी. आपको तो पता है कि अगर करंट की वैन है तो मास पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का, मास के लिए वॉल्यूम इसका आप दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से आप मोल निकाल लोगे, मोल से फिर मास निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आपको पता है, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, बट यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है किसे, मिलीलीटर में, तो हम लोग 22.4 लीटर की जगह पे 22,400 मिलीलीटर यूज करेंगे. मिली से मिली कैंसिल, 2 is 1/200 हो गया. अब आप ये 0.005 नंबर ऑफ मोल मिल गया. अब मास, मास ऑफ H2 0.005 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 0.01. तो अब मास निकल इतना ग्राम हो गया. अब पुट कर दो फॉर्मूले, वी नो दैट M = E/96500 करेंट इंटू टाइम, मास है 0.01 ग्राम, इक्विवेलेंट मास है 1 ग्राम, अभी बताया था 96500 करंट निकालना है, टाइम है 965 सेकेंड्स. अब इसको सॉल्व करोगे तो करंट वैल्यू निकल जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1 एम्पियर करंट. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर भी हो गया. इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हो. मेडिकल एक क्वेश्चन था, मेडिकल में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम्स में. अब मैं अगला वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा.